तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं हम यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर, और इसमें रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेन आ रही है। हाय गाइस, आप सभी स्वागत है एक और नए ब्लॉग वीडियो में। और आज हम लोग जा रहे हैं घूमने कहीं और, इधर देख सकते हैं कि इधर ओवर ब्रिज है। जो ओवर ब्रिज था ऊपर वाला, वो वाला ब्रिज ओवर ब्रिज है, नीचे के साइड से ही ऐसा दिखता है। और इधर जो कि वो था फिलिंग स्टेशन, यानी कि पेट्रोल पंप था, और यहाँ पर इस समय बंद हो गया इस ओवर ब्रिज बनने के कारण, तो इसका भी घाटा हो गया कंपनी का। यहाँ पर ओवर ब्रिज बन गया तो नीचे से गाड़ियाँ आनी जानी बंद हो गई, तो ऊपर से जाने लगी, तो यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आ रही थी तो इसलिए बंद हो गया। और यहाँ ओवर ब्रिज के नीचे से हम लोग जा रहे हैं, और उधर जो है रेल का पटरी है और उसी पर जा रहे हैं हम लोग घूमने। और इधर हम दो हैं, हम और एक दोस्त हैं, और चलते हैं आगे। आप लोग दिखाते, बोले थे कि रेलवे के पट्टी की तरफ जाने देख घूमने के लिए, चलते हैं आगे दिखाते हैं आप लोगों को कुछ। तो उधर देख सकते हैं कि हमारा कॉलेज जो है पीछे से ऐसा दिखता है, पीछे वो पेंट वेंट नहीं किया गया है, पीछे से ऐसा कॉलेज दिखता है। और ऊपर का लुक देखिए, ऊपर का लुक कितना सुहावना, बादल इस समय है, ऊपर का लुक देखिए। और उधर कॉलेज हम लोगों का इस समय शाम को या मतलब पीछे से ऐसा ही दिखता है। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं हम यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर, और इसमें रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं। इधर देखिए कैसा रेलवे ट्रैक है, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए रेलवे ट्रैक, यहाँ पर जो रेलवे आती है यहाँ पर सिर्फ मालगाड़ी चलती हैं। मालगाड़ी का मतलब समझ रहे हैं ना, मालगाड़ी केवल चलती है। यहाँ पर कोयला वाला सब लाद कर ले जाती हैं, इस पर पैसेंजर गाड़ी बहुत कम चलती है, पैसेंजर वाली ट्रेन। और इधर देख सकते हैं कि पानी सब भर गया है। इधर पानी पहले नहीं था, पानी बहुत कम था, पानी था ही नहीं, थोड़ा बहुत कहीं कहीं गड्ढे में था पानी, तो इधर इस समय बहुत ज़्यादा हो गया। और ये देखिए रेलवे का काम क्या कर रहे हैं कि ये सब किनारे किनारे जो हैं वो पोल गाड़ रहे हैं कि उधर से मतलब कि जो पशु होते हैं इस पर न आए, कोई दुर्घटना ना हो, इस कारण उधर पोल गाड़ रहे हैं, उस पर तार भी सब बांधे हैं। और उधर देख सकते हैं खेत जो है, पहले खेत में क्या था कि रोपने के लिए धान पानी नहीं मिला, और इस समय आप लोग देख सकते हैं कैसा है। पहले रोपने के लिए नहीं पानी था, और इस समय देखिए कि क्या ही अब बताएँ, भागने के लिए पानी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कितना पानी लग गया है, पहले खेत जोतवाया जोतवाया रुका हुआ रह गया, लेकिन वो मतलब रोपाया नहीं। हम लोग यहाँ पर थे तो देख रहे थे हमेशा। और इसमें शाम हो गया है तो इसमें वीडियो क्वालिटी भी थोड़ा लो होगी, लेकिन ऊपर देखिए ज़बरदस्त क्वालिटी ऊपर है। ये है रेलवे का वो वायर है जिसमें से करंट फ्लो करती है, जिससे कि ट्रेन चलती है। और उधर देखिए कि ओवर ब्रिज जो है हम लोगों का है, उधर ओवर ब्रिज जो है वो पूरा वहाँ से मतलब कि हिंदवाड़ी से लेकर इधर एक ठो गाँव पड़ता है बहुरा, वहाँ तक है बहुरा ना तेंदू तक है, ज़्यादा लंबा नहीं है। और यहाँ आप लोग बता दूँ कि सोनभद्र ज़िले का सबसे बड़ा जो ओवर ब्रिज है वो रावटसगंज में ब्रिज है, 4-5 किलोमीटर का ब्रिज है। वहाँ पर अगर ऊपर चढ़ जाएंगे तो सोचेंगे कब ख़त्म होगा। और तो आप लोगों को दिखाऊँ कि इधर गजब का मौसम है इस समय दिख रहा है, इसलिए आज हम लोग आए हैं घूमने के लिए। और क्या ही बताऊँ यहाँ खेत के, और चलते हैं और आगे आप लोग दिखाते हैं इसके बाद। और दोस्तों एक चीज़ और देखिए कि ये जो है यहाँ सब दिख रहा है, रोड बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं सब प्लाटिंग हो रहा है, तो सब समथर कर रहे हैं। इस पर एक लेंथ और बनेगा, एक लेंथ इस पार बनेगा, एक लेंथ उस पार बनेगा। और उधर देख सकते हैं कि जो गाड़ी जा रही है, उधर जो गाड़ी जा रही है वहाँ रोड है, वहाँ से वहाँ तक सब गाँव में रोड गया है। और इधर एक लेंथ इधर बनेगा, एक लेंथ उधर बनेगा। बहुत दिन से यहाँ पर काम चल रहा है, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। देख सकते हैं कि अभी सब समथर उमथर कर रहे हैं, बरसात भी आ जा रही है इसी में, तो कहाँ समथर होगा। पहले तो ये सब कुछ नहीं था, ये सब पेड़ था, पहले सब पेड़ था, जैसे कि दिखा सकता हूँ उधर, जैसे वो दिख रहा है एक तो पेड़ ताड़ का ना, उसी तरह सब पहले पेड़ था, लेकिन सब काट कर अब रेलवे की ज़मीन है तो रेलवे लेगा ही, तो काट कर सब वो कर दिए, प्लास्टिक टाइप कर दिए प्लेन,
अब इसी पर अपना ट्रैक बिछाएंगे। अभी काम इसमें होने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि इतना जल्दी नहीं होगा। और इधर देख सकते हैं कि सब जो गिट्टी गिरा हुआ है रेलवे का, ये हमेशा महीने महीने पर, दो दो महीने पर ट्रेन छोटी वाली आती है और वहाँ से इसको गिराती है छोटा छोटा सा। और यहाँ पर जो सब, चलिए आप लोगों को आगे दिखाता हूँ कि क्या बताने वाला हूँ। और यहाँ पर पहले यहाँ से निकलता हूँ अंदर, उस पर तेरी निकलता हूँ अंदर। हाँ, फंस गया, निकल गया। तो जैसा कि इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये जो लोहा है, इधर से दिखा सकते हैं कि ये जो लोहा है ये वाला, ये कबर जाता है यहाँ पर। अगर इसको दो पत्थर मारेंगे तो कबर जाएगा। तो इसको क्या है कि हमेशा वो आते हैं मिस्त्री लोग तो इसको ठोक ठोक कर जाते हैं। इसमें जो जिसका काम लगा हुआ है लेबर, उनका मिस्त्री का करने के लिए रेलवे में, तो वो सब आते हैं सब ठोक ठोक कर जाते हैं। और उधर देख सकते हैं कि उधर काम चल रहा है, अभी चलते आगे दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, हम लोगों का घर जो है, रूम जो है उधर है, हम लोगों का रूम आप लोग दिखा दो एक बार बैक कर। हम लोगों का रूम जो है वहाँ पर, जो दो पक्की दिख रही है उन्हीं दोनों के बीच में हम लोगों का रूम, छोटा सुन है नीचे है और उधर रूम है। और इधर देख सकते हैं कि चारों तरफ, इस समय शाम हो चुका है लेकिन लाइटिंग देखिए ज़बरदस्त लाइटिंग है, गजब की कैमरा क्वालिटी देख सकते हैं आप लोग। और इधर जो धान, इस पानी को मैं देख रहा हूँ तो पता नहीं क्यों क्रोध जग रहा है, क्योंकि किसानों ने अपना मतलब इतना मेहनत किया, यहाँ पर जोतवाया लगभग हम लोग जब तक थे 3 बार जोता गया। और यहाँ पर सब जो किसान थे, तगाड़ तगाड़ जो मट्टी है उसको, जहाँ खाल था ऊँच से खाल में फेंके, खाल से ऊँच में फेंके, डार सब बनाए, लेकिन बारिश से नहीं हुआ, रोपाया ही नहीं धान। उधर थोड़ा सा बस रोपे किसान, थोड़ा सा बस रोपे उधर, इधर रोपा ही नहीं पाया। अब पानी नहीं है, इधर नहर का जगह नहीं आने के लिए, नहर का पानी इधर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि अब शहरी इलाके में नहर का पानी कहाँ आएगा, ग्रामीण इलाका में ना आएगा। और इस समय शाम का सीन देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। उधर गाड़ियाँ सब जो आ रही हैं वो सब रोड पर चल रही हैं, उधर रोड है वो सिंगल रोड है, और इधर हम लोगों का हाईवे उधर है, वो जो पूरा दिख रहा है वो पूरा हाईवे है। और इधर तो किसान का रुपया नहीं पे, इस पर बहुत दुख हो रहा है। और दोस्त हमारा उधर गया, वहाँ पर रेलवे ट्रैक पर। और इसमें बता दूँ आप लोगों को, इतना शाम हो गया है कि हम लोगों को जल्दी आगे का दिख ही नहीं रहा है, लेकिन कैमरे में ज़्यादा मतलब इस तरह जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा क्वालिटी हम लोगों को कैमरे में देखने को मिल रहा है। और इधर क्या है कि सब जो किनारे किनारे सब पत्थर गाड़े हैं वो पूरा एकदम बहुत दूर तक गाड़ दिए हैं। पहले शुरुआत में किए तो हम लोगों को रह ही नहीं रहा था, कि लग ही नहीं रहा था कि ये सब क्या कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम लोग समझ आए। पूछे एक दिन तो सब बता रहे थे कि यही सब जो पशु वशु होते हैं उसी के लिए। और उधर देख सकते हैं कि एक सब गाड़ी भी खड़ी है काम करने के लिए रेलवे ट्रैक, रेलवे वालों को, तो वहाँ पर चलते गाड़ी को आप लोगों को दिखाते हैं। और आगे आप लोगों के जो रोड है वो पोखर के पास से निकलेगा, जहाँ पर हम लोगों को पोखरा का एक सीन दिखाया था आप लोगों को। और वीडियो नहीं दिखाया तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं वीडियो, पोखरा भी ज़बरदस्त था। वहाँ से हम लोगों का यह रोड निकलेगा सीधे हम लोगों के रूम के पास, उधर हम लोग जो रूम है वहाँ पर निकलेगा उस तरह होते हुए। इधर देखिए दोस्तों, दो ठो गाड़ी खड़ा है, एक ठो यहाँ पर किराना है, एक ठो वहाँ पर, यहाँ पर जेसीबी है ट्रैक्टर में कसी हुई, और यहाँ पर बुलडोजर है जो दबाने का काम करती है रोड पर, इसी को सब जो प्लानिंग हो रहा है उसी को कर रहे हैं। और यहाँ पर जो रूम है वो रेलवे के जो कर्मचारी उन्हीं को दिया गया है रहने के लिए। और आगे आप लोगों को वह रूम दिखाता हूँ, उस खंडहर जो हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेन आ रही है, अभी जस्ट आ रही है ट्रेन, बहुत ही भाग्य से हम लोग आए हैं, ट्रेन भी देख लिए, आप लोग भी दिखा देंगे कि कौन सी ट्रेन आ रही है। देखिए वहाँ पर लाइटिंग जल रही है, आप लोग पीछे कैमरा बैक कर देता हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं कि लाइटिंग जल रही है, आ रही ट्रेन। चलिए अब इसका आवाज़ सुनाएगा, हमारा आवाज़ तो सुनाएगा नहीं क्योंकि इसका आवाज़ हमसे ज़्यादा है, अभी हॉर्न दे रही थी। देखिए सब ट्रेन में वो लाइटिंग इसी ज़बरदस्त है, सफ़ेद कलर की। देखिए यहाँ पर हल्ला होने लगा अभी,
गई दोस्तों, ट्रेन गई दोस्तों, ट्रेन गई, फाइनली गई हमारी ट्रेन, निकल गई उधर से और मज़ा आ गया ट्रेन देख कर। और इधर देख सकते हैं कि जो एक खंडहर हो चुका है, पहले यहाँ पर बताया जाता है कि कभी इस यहाँ पर होता था, जो ट्रेन यहाँ पर रुकती थी तो यहाँ से पासिंग देने वाला क्या बोलते हैं उसको फटका हुआ करता था, जहाँ पर ट्रेन गिरा दिया जाता है तो ट्रेन नहीं जाती थी। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर अंत करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय रात भी हो गई है और वीडियो क्वालिटी भी अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पर अंत करें और फिर कभी आप लोग दिखाते हैं, आते हैं कभी दिन में तो उधर स्कूल भी दिखाते हैं आप लोग, उधर स्कूल है, उधर पोखरा पोखरा दिखाते हैं, स्कूल की तरफ दिखाते हैं और इसमें घुस कर दिखाते हैं अंदर कैसा है, कि टूट गया कि कैसा है, पहले ज़माने का खंडहर है। चलिए वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। तो यदि आप लोग वीडियो जरा से भी अच्छा लगे, वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप लोग इसी तरह ब्लॉगिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।